नई नई दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने YouTube चैनल सूरज मेडिसिन को। मैं हूं आपका दोस्त AK और आप देख रहे हैं सूरज मेडिसिन YouTube चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेसिवियन नेजल स्प्रे के बारे में। दोस्तों, इससे आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और किस तरह आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसके क्या कंपोजिशन होने वाले हैं, मार्केट में इसके क्या MRP हैं और इसके साथ ही दोस्तों इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इसके फायदों के बारे में। तो ये मेनली बच्चों की नाक बंद होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चों की सर्दी जुकाम से नाक बंद हो जाती है या नाक ज्यादा बहने लगती है, तब डॉक्टर इसका इस्तेमाल पेशेंट को कराते हैं। गले में जब म्यूकस जम जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस टाइम पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, उस टाइम डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं। इसको लेने के बाद तुरंत ही आराम मिलता है। इसके साथ ही बच्चों को खांसी हो तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं और इससे तुरंत उसमें फायदा मिलता है। ये नंबर 1 डॉक्टर टेस्टेड ब्रांड है और ये 10 ml की पैकिंग आपको 91.83 रुपए में मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाती है। जैसा कि इस पे लगा है अडल्ट फास्ट रिलीफ फ्रॉम ब्लॉकेड नोज, यानी कि अडल्ट और बच्चों में दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों में इसकी डोजेस अलग अलग हैं। 25 सेकंड में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, इसके बहुत अच्छे अपने फायदे हैं और एक बार डालने से 12 घंटे में ये आपको पूरी तरह से आराम देने लगती है। कॉमन कोल्ड होने से जब भी नाक बंद होने लगती है या डस्ट वगैरह से नाक बंद होने लगती है, पॉल्यूशन से नाक बंद होने लगती है या सीजनल जब चेंज होता है तो उस समय बच्चों की नाक बंद होने लगती है, तो उस समय डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं। ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी कि इसका ओरली या इंजेक्शन के रूप में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं हम इसके कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, ईच एमएल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ईच एमएल में आपको मिलता है ऑक्सीमीटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन के अनुसार 0.5 mg की मात्रा में आपको इसमें मिल जाता है। इसी के साथ ही इसमें बेंजल कोनियम क्लोराइड सोल्यूशन 50% इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन के अनुसार 0.3 mg प्रिजर्वेटिव के तौर पर मिलाया गया है, जो कि इसकी लाइफ को मेंटेन करते हैं और इसको खराब होने से बचाते हैं। बात कर लेते हैं हम इसकी डोजेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। इन जनरली अगर आपका बच्चा 4 वीक का है या 1 महीने का है तो 1 ड्रॉप आप इसको डाल सकते हैं, यानी कि दोनों नाक के छेद में 1-1 ड्रॉप आप इसका डाल सकते हैं। और बच्चा 1 महीने से अगर ज्यादा है, 1 महीने से 1 साल तक है, तो दोनों तरफ नाक में 2-2 ड्रॉप आप इसका डाल सकते हैं। ये आपको दिन में 2 बार डालना है। इसका असर 12 घंटे तक रहता है। डालते ही 25 सेकंड में ये अपना काम शुरू कर देता है, जिससे कि पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ होता है। अडल्ट फास्ट रिलीफ फ्रॉम ब्लॉकेड नोज, यानी कि बच्चे और बड़े में इसकी जो डोज की मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। साथ ही बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसका वैसे तो कुछ साइड इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलता है इन जनरली, फिर भी अगर बच्चे की नाक लाल होती है या जलन होती है तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसका इस्तेमाल बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपका फर्दर ट्रीटमेंट चल सके। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम 10 डेज करना है, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इसे डालने के बाद नाक ज़्यादा बहने लगती है तब भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जिससे कि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। अगर पहले से ही आप कोई मेडिसिन डाल रहे हैं तो उसके साथ आप इसका इस्तेमाल ना करें। सर्दी जुकाम की पीने वाली अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं, मगर डालने वाली कोई मेडिसिन इसके साथ में ना डालें। और ज़्यादा लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बॉडी की जो है हैबिट होने लगती है। इसके साथ ही आपको बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है। इसको मैन्युफैक्चर किया है प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड ने, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पर इसका बैच नंबर मिल जाता है और इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है वो सितंबर 2020 है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अगस्त 2023 है, यानी कि अगस्त 2023 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो लाइफ है वो अगस्त 2023 तक है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कोई मेडिसिन मार्केट से खरीदते हैं तो आपको इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्केट से एक्सपायर मेडिसिन लेकर आ जाएं, जिससे फायदे की वजह और आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी नेसिवियन नेजल स्प्रे के बारे में जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप देख रहे थे सूरज मेडिसिन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।